तो गाइस यहाँ पे मैं बाइक पे बैठ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ एक काम से, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं बच तो जाऊँगी क्या। मैं पहली दफ़ा बाइक पे बैठती हूँ, मुझे वैसे तो मैं कभी ऑटो पे बैठती हूँ या फिर ऑटो पे ही ज़्यादातर बैठती हूँ। बाइक का एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि आज बाइक पे बैठ के क्या होता है, मैं अपनी मंजिल पे पहुँच जाती हूँ या नहीं। तो आप लोगों ने मेरे साथ स्टेट कनेक्टेड रहना है, ठीक है। 2000 years later. वीडियो नहीं बनानी क्या तुमने? उबर पे मंगवाई है मैंने गाड़ी, उबर पे जाते हैं। तुम्हारी बाइक खराब हो गई है, फिर कैसे लेके जाओगे तुम? बाइक तो खराब है, गाड़ी आती है उस पर बैठ के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पे काफ़ी शोर है और शोर की वजह से जो मेरी आवाज़ है वो आप लोगों को कम आ रही होगी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं बाहर थी तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ गई हूँ। रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप लोगों को दिखाते हैं बैक कैमरे से, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है रेस्टोरेंट। जो व्यूवर्स, भूख लग गई थी तो मैं आ गई हूँ चंक एंड चीज़ में, और यहाँ का खाना तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ बहुत मज़े का होता है। और आज मैं यहाँ का पिज़्ज़ा फिर से खाने आ गई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ का व्यू चेक करवाती हूँ। अच्छा, इन्होंने ग्रीनरी का टच दिया हुआ है, ग्रीनरी जो होती है ना हमेशा अच्छी लगती है। तो मैं तो अपनी फैमिली के साथ आई हुई हूँ और यहाँ पर दिन के टाइम भी इतना ज़्यादा रश है, आप चेक कर सकते हैं। और मैं आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ। तो खुशखबरी ये है कि चंक एंड चीज़ वाले जो कोल्ड ड्रिंक है वो बिल्कुल फ्री दे रहे हैं यानी कि आप जितने भी लोग आएंगे कोल्ड ड्रिंक फ्री होगी और फ्लेवर आपकी पसंद का होगा। और इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है जो कि मैं आपको आके जाके बताऊंगी। तो व्यूवर्स, आपने व्लॉग को एंड तक वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए व्लॉग बनाया है, ठीक है जी। तो आप इतनी मेहनत से लेके आती हूँ आपके लिए व्लॉग, तो इसे एंड तक ज़रूर वॉच किया करें। और चंक एंड चीज़ का जो ओवरऑल व्यू है वो बहुत अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है और 100/100 मार्क्स देना चाहूँगी मैं इनको। और इनका पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो मैंने तो अपना वही वाला फ्लेवर ऑर्डर किया है जो मुझे ज़्यादा पसंद है। आप यहाँ का स्पेशल पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेशल पिज़्ज़ा भी जो है अवेलेबल है। अभी टाइम से बैठे हुए हैं और अभी तक हमारा जो ऑर्डर है वो आया नहीं है, और हम काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे बैठे बैठे। तो मेरी एयरिंग्स की भी तरीफ कर दीजिएगा, मेरे एयरिंग्स कैसे लग रहे हैं। और इंतज़ार कर कर के भूख से मत बच चुकी है कि अभी तक हमारा ऑर्डर नहीं आया, तो हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारा ऑर्डर आएगा और कब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो। लोग दिखा दे, देखिए वो दिखा नहीं रहा, अपना भी लोग बन रहा है, वो अपने भी लोग के साथ लगा हुआ है और मैं यहाँ पे अपने साथ लगी हुई हूँ। तो गाइस इंतज़ार कर कर के बस हो चुकी है, और चूँकि मुझे गुस्सा भी आ रहा है, और हमें 45 मिनट्स दिए गए थे कि आपका 45 मिनट्स में आपका ऑर्डर आपके पास होगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो मैं सिर्फ अब 5 मिनट इंतज़ार करूँगी, इससे ज़्यादा मैं इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं उठ के चली जाऊँगी। क्योंकि एक तो इंसान को भूख लगी और ऊपर से इतनी लेट करी जा रही है, रेस्टोरेंट का यही मसला है, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा ही हमें देर तक बैठा दिया है, इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। तो अब मैं देखती हूँ कि 5 मिनट तक ऑर्डर आता है कि नहीं, मैंने उठ के चले जाना है बस। तो व्यूवर्स, आजकल एक मूवी आई हुई है जिसका नाम है बारबी, और उसके डायलॉग्स जो हैं वो सारे लोग ही बोल रहे हैं, और उसी लिए मैंने आज पिंक दुपट्टा लिया हुआ है, पिंक मैंने मेकअप भी किया हुआ है। तो फिर मिलके बोलते हैं बारबी के डायलॉग, हे बारबी, हे बारबी, हे बारबी, हे बारबी, हे बारबी, क्योंकि यही डायलॉग बस उसका फेमस हुआ है, जिसको देखो बस एक ही डायलॉग बोल रहा है, हे बारबी, हे बारबी। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, देखिए कितने माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा हमारा पिज़्ज़ा है, और इसकी लुक चेक करें कितनी डिलीशियस है। कसम से एक तो भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई है, और जब फिर खाना इतना ज़्यादा खूबसूरत सा आ जाता है ना, तो फिर दिल करता है बस जी टूट पड़ो खाने के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, और अब मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। अच्छा जी व्यूवर्स, आप लोगों को दूसरी खुशखबरी ये बतानी थी कि आपसे आप जो हैं मुझे एक और व्लॉगर के साथ भी देख सकते हैं, और वो है, उसका नाम मैं आगे जाकर रिवील करूँगी, ठीक है। अभी मैंने रिवील नहीं करना सारी बातें अभी बता दूँगी, तो फिर बातें कौन सी रह जानी हैं, अभी आप जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो फिर सारी बातें नहीं मैंने बतानी होती, एंड में भी कुछ बचा के रखना होता है, वरना आप लोग सारा व्लॉग देखते ही नहीं है। तो अब देखिए मैं सर्व ही कर रही हूँ, और जो है मेरा भाई भी जो है वो सर्व कर रहा है, मुझे भी सर्व कर रहा है, खुद को ही सर्व करी जा रहा है। ओ ये क्या हो गया मेरा जगह मुझे दे दो
खुद की प्लेट में ही सर्व करी जा रहा है। वैसे देखा है ऐसे ये बहन भाई ना ऐसे ही होते हैं, अपनी अपनी पड़ी हुई है सबको, अपने अपने पेट में डाल है, मतलब कि भूख लगी हुई है तो भूल ही गया कि साथ में कोई आया हुआ है, अपने आप को ही देखी जा रहा है कब से अपने आप में मसरूफ़ हुआ हुआ है। तो यहाँ पर अब मैं इसे टेस्ट करती हूँ तो आपको बताती हूँ कि इसका यहाँ का पिज़्ज़ा कैसा है। ऐसे तो आपको शक्ल से ही पता चल गया होगा कितना ज़्यादा टेस्टी है। थोड़ी सी केचप लगा लिया है, हाय दिल का सुकून आ गया है। उफ अल्लाह कितना मज़े का ये पिज़्ज़ा आया है, मज़ा ही आ गया कसम से। एक तो इन्होंने एंड में जो हम लोगों को पिज़्ज़ा सर्व किया ना, आया है मज़ा आएगा। और ये कोल्ड ड्रिंक ये देख रहे हैं ना, कितनी प्यारी सी कोल्ड ड्रिंक है, ये बिल्कुल फ्री दी है उन्होंने। आप लोग भी जाए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, 100-100 की कोल्ड ड्रिंक फ्री दे रहे हैं। और क्या चाहिए इंसान को कि 100-100 की कोल्ड ड्रिंक है इंसान को फ्री मिलना शुरू हो जाए, फिर तो मज़ा ही आ जाता है ना। अच्छा मैं लग रही हूँ ना आज बारबी डॉल जैसी, तो आपने ना बारबी 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 लिख देना है कमेंट में। तो मैंने यहाँ पर अपना पिज़्ज़ा जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, और तो हाँ मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, हम दोनों ही बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। तो आपको मैंने वो व्लॉगर बताना था जिसके व्लॉग में आप मुझे अब देख सकते हैं, तो वो व्लॉगर कोई और नहीं, वो है सनी जैस्पर। जल्दी से जाएं उसे सर्च करें और उसके व्लॉग्स में मुझे देखें, और मुझे वहाँ पर जाके ना मेरा नेम भी टैग करें उस कमेंट में, तो फिर मुझे पता चलेगा कि आप मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसके चैनल को ज़्यादा 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 सब्सक्राइब करना शुरू कर दें और ज़्यादा ज़्यादा फैलाना शुरू कर दें, ठीक है। मुझे बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आपने ये काम करना है। तो व्यूअर्स आप सोच रहे होंगे कि सनी जैस्पर कौन है, वो कोई और नहीं मेरा सगा भाई है, ठीक है जी। अब मैंने जी अपनी फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करना था, यूट्यूब पे उसका चैनल बना दिया है, फटाफट जाएं सब्सक्राइब करें और उसको भी मिलियन तक पहुंचा दें, क्योंकि आप मेरे फैंस हैं तो साबित करें कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो बहुत जो है फातिमा का भी चैनल आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला फातिमा के चैनल में मिलूंगी आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में रखिएगा याद। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू व्यूअर्स फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट, एंड बाय Bye for now, but don't forget to subscribe my YouTube channel Bia Malik and like and share also on my YouTube channel। और अब से मेरे भाई के चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, उसका जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट भाई सब्सक्राइब कर दो तो मिलियन तक पहुँचा छोड़ो, ठीक है जी। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।